नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहितमल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, यहाँ पे हम एक छोटा सा वीडियो बस आप लोगों के लिए अपडेट के लिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि UMT का जो क्वालकॉम टूल है यानी QCFI टूल, वो उसका अपडेट आ चुका है यानी 7.8 वर्जन, जो कि यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। कुछ ज़्यादा इसमें अपडेट तो मिला है नहीं, जो भी मिला है वो आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UMT का कुछ यहाँ पे QCFI 7.8 है, द अल्टीमेट क्वालकॉम टूल है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है रीड्राइव फर्मवेयर बैकअप वगैरह जो भी था वो तो है ही, बाकी जो मॉडल न्यू अपडेट हुआ वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉनर का जो है एडिट मॉडल जो है 50 लाइट है, उसके बाद हवाई का जो है नोवा 9, यहाँ पे AL00 करके है नोवा 9, LX9, नोवा 9 प्रो, RTA AL00, उसके बाद रियलमी में जो है X2 प्रो जो कि RMX 1931 है वो अपडेट मतलब ऐड हुआ है, X3 जो है 2083 है RMX वो ऐड हुआ है, X3 सुपर जूम जो कि RMX 2085 है वो ऐड हुआ है, एडिट हवाई का ID रीसेट यानी है वो करेंटली सपोर्टेड नोवा 9 दे दिया है। बाकी कुछ खास अपडेट तो इसमें मिला नहीं है, वहाँ पे जो है स्पेशल कहीं देख लीजिए ये सब कुछ मिला है अपडेट यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं वार्निंग, तो ये सब यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे वार्निंग दिया हुआ है MA रिपेयर डिटेक्ट के लिए जो होता है उसके लिए वार्निंग दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे आप जा करके जो है देख सकते हैं इस वेबसाइट पे जो भी है। बाकी अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, वैसे वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है कुछ खास तो अपडेट मिला है नहीं, देख सकते हैं यहाँ पे बस कोई भाई कमेंट किया है प्लीज़ एडिट वीवो फास्ट फूड टू रियल मोड टू वगैरह, ये आप देख सकते हैं जाकर के। बाकी डाउनलोड जो है मेरा देख सकते हैं यहाँ पे जो है डाउनलोड हो रहा है UMT का जो है ये QCFI का जो ये टूल है वर्जन 7.8 करके, तो थोड़ा सा नेट स्लो है, बाकी डाउनलोड तो हो रहा है, थोड़ा इंतज़ार हम कर लेंगे डाउनलोड होने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है फाइनली मेरा डाउनलोड हो चुका है, तो आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद डाउनलोड हो जाए तो जाए डायरेक्ट यहाँ पे लोकेशन पर क्लिक कीजिए, और लोकेशन पर क्लिक करने के बाद जो है नॉर्मल सा है दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो कि 7.8 ये कुछ रहा, तो इसको हम बस नॉर्मल सा जो है डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि हम कर रहे हैं फिलहाल, बिल्कुल इजीली इंस्टॉल हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल तो होता नहीं है दोस्तों, और ज़्यादा कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा नहीं। तो आप लोग अभी जा कर के जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, अगर आप लोग UMT सपोर्ट यूज कर रहे हैं तो देखिए जाइए वहाँ पर, और आपको जब इंस्टॉल वाला फाइल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको न्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करने का जो तरीका है दोस्तों वो भी बिल्कुल इजीली है, बस नेक्स्ट 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 मारिए इंस्टॉल हो जाएगा आपका कुछ। देखते हैं दोस्तों किस तरह का टूल दिख रहा है थोड़ा सा। बाकी देखिए कभी भी कोई अपडेट आए तो उसको जरूर पहले डाउनलोड करें और फास्ट डाउनलोड करें, ताकि मान लीजिए कोई फोन अनलॉकिंग या कुछ इस तरह का आए तो आपको परेशानी ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल ड्राइवर फॉर QCFI ड्राइवर फोल्डर, यहाँ पे इसको हम क्लोज कर लेंगे क्योंकि पहले से इंस्टॉल है, नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद जो है कुछ इस तरह से हम रन कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन तो हो चुका है, तो जो न्यू वाला है सेटअप वो कुछ इस तरह का दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि जो न्यू सेटअप है कुछ इस तरह का दिख रहा है। और यहाँ पे जल्द जो है साइज हल्का सा छोटा कर दिया है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा तो है, यानी दिखने में थोड़ा सा अलग कर दिया है, बाकी कुछ मॉडल एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। बाकी हमें लगा कि हो सकता है कोई 3S भी ऐड हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों अभी जाकर के डाउनलोड कीजिए, बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नहीं लेकर, तब तक जय हिंद वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें, ख्याल अवश्य रखें।